हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आरके, मैं तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं एग्जामपुर परिवार में। हम है कलम से क्रांति। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन को। बहुत ही शानदार आज ये सेशन आपका होने जा रहा है और ये समझ लीजिए एक तरीके से आपका कुछ प्रैक्टिस वाला सेशन है रहेगा, जिसमें कि आज हम लोग जो एसे वगैरह की जो बातें करते हैं प्रैक्टिस के फॉर्म में, हम वो सारी चीजें करते हैं वो ना करके आज हम जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, क्योंकि काफी बच्चों की ये डिमांड थी कि सर कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस जरूर कीजिए। तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ जो है एक क्लास ऐसी जरूर रखें जिसमें सिर्फ मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन आंसर उनके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलिए, आप जैसे सेंटेंस है आपके सामने, मैं पहले आपको टाइम दूंगा, एक मिनट का टाइम दूंगा आपको। जो आपको आंसर ठीक लग रहा है आप वो कीजिएगा कि सर आप मुझे ये आंसर लग रहा है, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं साइड हो रहा हूं, ये लीजिए, आप लोग आंसर कीजिए इसका जल्दी से, और कोशिश सभी बच्चे करेंगे, चाहे सही हो गलत हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, बस करते जाइए। चलिए, कोशिश सभी बच्चे करेंगे जिससे कि क्या होगा कि सही गलत भी होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलिए मैं जरा आप इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। देखो यहां सेंटेंस आया है कि व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड विल बी अबव 35। ये सेंटेंस है, व्हेन आई विल बी 30 मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड विल बी अबव 35। देखो यहां पे इसका एरर कहां है, ठीक है। हो सकता है कि आज आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन बिल्कुल ही अलग ही लग रहा है आज तो हमारे लेवल से। बेटा बिल्कुल, मैं समझता हूं कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही लेवल का आज आपके सामने ये दिखने को मिल रहा है, लेकिन नो प्रॉब्लम, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा, चीजें आपको और अच्छे से स्मूथली क्लियर हो जाएगी, ठीक है। देखिए कैसे समझना बच्चे गौर से जरा। मान लो मैंने एक सेंटेंस कहा क्या कि इफ शी विल कम टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर। ये सेंटेंस है, इफ शी विल कम टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर। ये सेंटेंस है बेटा आपका, राइट। अब देखो इस सेंटेंस के अंदर हमारे पास सुनने में ठीक लग रहा है, अच्छा सा लग रहा है, नहीं बड़ा प्यारा सा लग रहा है सेंटेंस, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर वो मेरे पास आएगी तो मैं उसकी मदद करूंगा। थोड़ा सा ना इसको डिटेल में समझना। देखो हमारा मकसद यहाँ क्वेश्चन की नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज करना नहीं है, हमारा मकसद यहाँ पे है क्या, हमारा मकसद है सीखना चीजों को। देखो यहां पे बेटा हमारे पास ना सेंटेंस में कितनी बार वर्ब आ रहा है, सर दो बार आ रहा है। एक आ रहा है ये रहा विल कम, और दूसरा आ रहा है क्या विल हेल्प। एक वर्ब ये आया, एक वर्ब ये आया, ठीक है। याद रखना सेंटेंस का ऐसा पार्ट, सेंटेंस का ऐसा टुकड़ा जिसके पास अपना खुद का वर्ब हो उसे बेटा क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। बेटा याद रख लेना, सेंटेंस का ऐसा पार्ट जिसके पास अपना खुद का वर्ब होता है बेटा उसे ही क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं। इस बात को दिमाग में छाप लो, उसे ही क्या बोलते हैं, क्लॉज बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके और आगे बात करें अगर हम, तो यहां पे हमारे पास क्लॉज बन गया। अच्छा क्लॉज क्या होता है वो आप सीख गए, चाहो तो लिख भी सकते हो, नाम तो सुना ही होगा, हिंदी में शायद पदबंध बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में तो क्लॉज ही होता है। सेंटेंस का ऐसा पार्ट, द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, अगर चाहो तो मैं लिखवा भी देता हूं। अभी ये गलत है ये सेंटेंस, अभी ऐसा मत सोचना है सर सही है, ये अभी गलत है, ये सेंटेंस अभी इनकरेक्ट है, इसको अभी मैं ठीक करना सिखाऊंगा कि कैसे सही करते हैं, ठीक है। पहले काम करो, उतार लो इसको, उतार लो जल्दी से। हाँ बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे इफ शी विल कम टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर, हेल्प हर, सॉरी। देखो यहाँ पे सेंटेंस के अंदर यहाँ पे वेलकम लिखा जा रहा है, ठीक है, ये गलत है। अभी फिलहाल मैं आपको बता दूं ये आपका गलत वाला हिस्सा है, वेलकम यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, इसकी जगह मतलब कम्स होगा, लेकिन कैसे होगा वो आपको डिटेल में सीखना है। देखो अब यहाँ पे क्लॉज तो आपको क्लियर हो गया कि क्लॉज का मतलब क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया है, नो प्रॉब्लम, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो क्लॉज भी बेटा हमारे दो तरीके के होते हैं, क्लॉज भी हमारे दो तरीके के होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लॉज हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज,
इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा क्या होता है डिपेंडेंट क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरा होता है क्या डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज बेटा वो होता है जिसकी अपने आप में एक पूरी मीनिंग आती है। जैसे आपके पास ये सेंटेंस था, अभी मैं क्लियर कर दूं ये गलत है, पहले मैं इसको ना ठीक करके लिख देता हूं, वरना कोई बच्चा बाद में ना इसको कहीं ऐसा ना हो कि म्यूट आवाज में सुन रहा हो तो कह दे कि सर ये तो आपका गलत था, ठीक है। विल कम नहीं आएगा, यहां पे आ जाएगा कम्स, क्या आ जाएगा कम्स आ जाएगा, ये इसका सही आंसर होना चाहिए। विल कम की जगह क्या होना चाहिए बच्चे, कम्स होना चाहिए था इसे, ठीक है। विल कम की जगह हो जाएगा कम्स, राइट, ये आपका सही है ऐसा। लेकिन ऐसा क्यों वो अभी बताता हूं। आप सेंटेंस सोचो, अगर मैं आगे वाला पूरा मिटा दूं सिर्फ पीछे वाला पढ़ूं, सोचो अगर मैं आगे वाला पूरा मिटा दूं, यहां से यहां तक पूरा मिटा दूं सिर्फ पीछे वाला पढ़ूं, आई विल हेल्प हर, बताओ अपने आप में पूरी मीनिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा, दे रहा है कि नहीं दे रहा। यस सर पूरी मीनिंग दे रहा है, आई विल हेल्प हर पूरी मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं कि हाँ भाई मैं उसकी मदद करूंगा। अच्छा ये सोचो अगर मैं पीछे वाला मिटा दूं आगे आगे वाला पढ़ूं, आगे आगे इफ शी कम्स टू मी, सिर्फ इतना इतना पढ़ू और पीछे वाला पूरा पार्ट मैंने मिटा दिया, सीधा इतना पढ़ू इफ शी कम्स टू मी, अधूरा अधूरा सा लग रहा है कि अगर वो मेरे पास आती है, अधूरा अधूरा सा लग रहा है। तो बेटा मैंने आपको क्या चीज समझाने की कोशिश की है वो सीखो, ये अपने आप में अधूरी मीनिंग दे रहा है, ये अपने आप में अधूरी मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये बेटा कैसा क्लॉज है सर जी, डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये पूरी मीनिंग दे रहा है तो ये कैसा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। जो पूरी मीनिंग देगा वो इंडिपेंडेंट, जो अधूरी मीनिंग देगा वो डिपेंडेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, मैं फिर से बोल दूं, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा, जो अपने आप में क्या क्या बोला मैंने, जो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देगा बेटा वो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, और जो अपने आप में इनकंप्लीट मीनिंग देगा, इनकंप्लीट मीनिंग देगा वो आपका होता है क्या बेटा, वो आपका होता है डिपेंडेंट क्लॉज। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, हो गया होगा क्लियर, आई होप सो, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज दोनों बातें अब आपकी क्लियर है, इनकम्प्लीट मीनिंग देगा तो ये। अब देखो यहां पे बस आपको अब इतनी सी बात याद रखनी है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है हमारा, क्या बोला मैंने, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है, जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है बेटा, इसमें हमेशा याद रखना कि कभी फ्यूचर में यूज मत करो इसे, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज में कभी भी विल शैल का यूज मत करो, इसका यूज नहीं करना चाहिए। अब यहां पे देखो क्या लिखा, इफ शी विल कम, गलत था ना, यहां पे हमारे पास डिपेंडेंट था, इफ शी विल कम ऐसा था, गलत है, गलत है। तो विल का विल तो कट जाएगा, अब अगर सिर्फ विल विल काटने से काम चल जाता तो समझ ही आ जाता, विल कटेगा साथ ही साथ में कम का कम्स हो जाएगा। क्यों कम्स हो जाएगा, क्योंकि शी सिंगुलर है ना, कम्स लिखा जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई है, एक बार कमेंट करके बताइए यस और नो, जल्दी से सारे बच्चे एक बार कमेंट करके जरूर बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो हो जाएगा इफ शी कम्स टू मी कॉमा आई विल हेल्प हर, यानी अगर वो मेरे पास आती है तो मैं उसकी मदद करूंगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जा सकता, डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं लिखा जा सकता, याद रखना इस बात को, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज कभी भी फ्यूचर में नहीं आता। अब आ जाओ आपके मेन क्वेश्चन पे। अब जैसे व्हेन आई विल बी 30, व्हेन आई विल बी 30 ये सेंटेंस था कि जब मैं 30 का हो जाऊंगा, मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड विल बी अबव 35। यहां पे देखो हमारे पास यहां से लेकर के यहां तक हमारा एक पार्ट है और यहां से लेकर के यहां तक हमारा दूसरा पार्ट है, पढ़ के देखो। अब देखो यहां पे व्हेन आई विल बी 30, जब मैं 30 का हो जाऊंगा, तो यहां पे एक अधूरी मीनिंग दे रहा है, डिपेंडेंट है ये, डिपेंडेंट है तो पक्की बात है कि हमारे पास ये फ्यूचर में बनना नहीं है। सर विल कैसे लिखा है, विल कैसे लिखा है ये काटो। अब यहां पे जो विल लिखा है ना डिपेंडेंट वाला, क्योंकि फ्यूचर में बनना नहीं था, विल शैल आना नहीं था, यहां पे आना नहीं था, सर विल कैसे आ रहा है, और विल कट गया तो पक्की बात है बीबी अब इज एम आर में चेंज हो जाएगा, तो जाएगा व्हेन आई एम 30, व्हेन आई एम 30 मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड विल बी अबव 35, ऐसे करके आपका सेंटेंस तैयार। मेरी बात क्लियर हुई हाँ कि ना, एक बार कॉमेंट करके बताइए, जल्दी से सभी बच्चे एक बार कॉमेंट कीजिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ है, अगर क्लियर हो गया तो बताइए। When I am 30, most of my friends will be above 35. Done? Okay, good. चलो अब जरा इसकी बात करते हैं। This is the first time in my class that I heard such an interesting story. ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया बच्चों, आज के बाद अगर आपको किसी को कहना हो ना कि वैन या इफ या कुछ भी ऐसा जो अपने आप में डिपेंडेंट दिखा रहा है, तो विल शैल मत लगाना। हम जो हिंदी में बोलते हैं ना, अगर मैं वहां जाऊंगा तो उससे बात कर लूंगा, नहीं ऐसे बोलना चाहिए, अगर मैं वहां जाता हूं तो उससे बात करूंगा, अगर मैं वहां पे जाता हूं तो उससे बात करूंगा, ये मीनिंग आनी चाहिए। चलो फटाफट कीजिए सारे बच्चे।
चलो मैं बता देता हूं, ओके लेट मी टेल यू दिस वन। देखो कैसे करना था इसे। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ दैट आई हर्ड सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये पहली बार हुआ है कि अपनी लाइफ में कि भाई मैंने जो है इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है, इतनी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग, इतनी अच्छी स्टोरी मैंने सुनी है, ऐसा पहली बार हुआ है। दिस इज द फर्स्ट टाइम। अब इसको कैसे करना है बेटा, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इजी है ये भी, कोई बहुत मुश्किल वाला वो नहीं है, स्ट्रगल नहीं करना है इसमें आपको। देखो किस तरीके से करना है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई हैव। अब देखो अगर आपके पास किसी सेंटेंस में, एक क्वेश्चन करके ही बताता हूं, देखो दिस इज द सेकेंड टाइम शी मेड अ ब्लंडर। ब्लंडर मतलब होता है बेटा भारी मिस्टेक, बहुत भारी भूल, ठीक है, बहुत भारी मिस्टेक, बहुत भारी भूल, ठीक है। अब जो है उसको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी एनी हाउ, मतलब उसने गलती कर दी है, बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, ठीक है। अब जो है मतलब मान लो उसने किसी का गलत कर दिया है, अब जो है ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, वही वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो क्या मुद्दे पे आते हैं, दिस इज द सेकंड टाइम शी मेड अ ब्लंडर। इसको कैसे करना होगा बच्चे, ध्यान से समझिएगा एक बार। अगर आपके पास किसी सेंटेंस के अंदर फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, मतलब इस तरीके का, फर्स्ट टाइम हो गया, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, लास्ट टाइम, इस तरीके का अगर आपके पास एसेट्रा, मतलब ऐसा कुछ भी अगर आपके पास लिखा हो तो ध्यान रखना बच्चे, इसके बाद आपको परफेक्ट टेंस का यूज करना है। अब सर बात तो ठीक है, लेकिन परफेक्ट टेंस कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ये भी बात जरूरी है। तो सुनो, अगर इससे पहले आपके पास प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि इज एम आर आ रहा है, ठीक है, अगर इससे पहले आपके पास इज एम आर यानी कि प्रेजेंट वाला बात आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा, प्रेजेंट वाला बात आ रहा है, तो इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करना पड़ेगा। कौन सा, तो सर जी प्रेजेंट परफेक्ट का। और अगर इससे पहले आपके पास पास्ट वाला बात आ रहा है, कौन सा बात आ रहा है, पास्ट टेंस, तो इसके बाद आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा। कौन सा, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना पड़ेगा, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अगर प्रेजेंट आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट आ रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। जल्दी उतारिए सारे बच्चे, चलिए देखो। तो अब यहां पे दिस इज द सेकेंड टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम लिखा है यहां पे, राइट। अब यहां पे बच्चे आपके पास जब आगे दिस इज द सेकेंड टाइम आ चुका है, लिखा हुआ इज एम आर आ चुका है, तो पक्की बात है वो सिंपल प्रेजेंट को कंसीडर करेगा। जब हम कभी भी ऐसा बोलते हैं कि ये पहली बार हुआ है, ये दूसरी बार, ये तीसरी बार, इसका मतलब उस टाइम वो काम हो चुका होगा, हाँ कि ना, उस समय वो काम हो चुका है, तभी तो हम बोल रहे हैं ना कि पहली बार उसने ऐसा किया, दूसरी बार उसने ऐसा किया। तो बेटा हमेशा परफेक्ट का यूज करना है, और यहां पे देखो क्या लिखा, मेड, इसको कर देंगे हैज मेड, तो शी हैज मेड, शी हैज मेड, मार्कर चेंज कर देते हैं, शी हैज मेड, ऐसे करके हो जाएगा आंसर आपका। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार कॉमेंट कीजिए सारे बच्चे, हाँ कि ना, डन। जल्दी से एक बार बताइए सभी लोग, कमेंट सारे बच्चे किया कीजिए बच्चों, ठीक है, चलो बढ़िया। अब अगर आपको ये क्लियर है तो यहां पे आ जाओ, दिस इज द फर्स्ट टाइम
इन माई लाइफ दैट आई हर्ड सच ए इंटरेस्टिंग स्टोरी, सच एन इंटरेस्टिंग स्टोरी. तो यहाँ पे आ गया दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, लास्ट टाइम, कुछ भी ऐसा. तो आई हर्ड नहीं होगा, आई हैव हर्ड हो जाएगा. आई हैव हर्ड. ठीक है, कि ये पहली बार है कि मैंने इतनी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी मैंने सुनी है. ठीक है, ऐसे करके. अगला अगला सवाल, चलो इसका बताओ. ठीक है, If we had Ram in our team, we would have won the match. कितना आसान सवाल है. याद होगा आपको मैंने कंडीशनर वाले उसमें बताया था, if वगैरह आता है जो कैसे किया जाएगा. चलो, if we had Ram in our team, we would have won the match. अब देखो किस तरीके से इसको करना है, कोई मुश्किल चीज नहीं थी. पता नहीं क्यों बच्चे इतना टेंशन लेते हैं इस चीज को लेकर के. देखो, If आ रहा है, head आ रहा है, साथ में verb की कोई थर्ड फॉर्म नहीं है, अकेला सीधा सब्जेक्ट आ गया जो राम वाली बात आ रही है वो. ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसा नहीं है कि verb की थर्ड फॉर्म है तो दूसरी जगह पे भी वो यूज नहीं करना था. हालांकि मैं फिर भी एक बार आपको ये चीजें बता देता हूँ लिखवा करके सेंटेंस के साथ. राइट, लिख लीजिएगा सारे लोग एक बार इसका सारे नियम कानून. वैसे मैंने पहले भी करवाया है लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो एक बार दोबारा लिख लीजिएगा. देखो, अगर आपके पास डिपेंडेंट वाले क्लॉज में इफ के साथ वर आ रहा हो, इफ के साथ हैड आ रहा हो, इफ के साथ सिंपल पास्ट आ रहा हो, ये पूरा ही लिखवा देता हूं. जब लिख ही रहे हैं तो अधूरा मत सीखो, ताकि इससे रिलेटेड कोई और भी क्वेश्चन आए आगे तो आप उसको डील कर लो आराम से. इफ के साथ इज एम आर आ जाए, ये पूरा निचोड़ है बेटा उस चीज का पूरा निचोड़ दे रहा हूं आपको कंडीशनल का. इफ के साथ हैज या हैव आ जाए, इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आ जाए, और आखिरी इफ के साथ हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए. बस इतने होते हैं, इससे ज्यादा नहीं. तो अगर आपके पास ये वाला पार्ट डिपेंडेंट क्लॉज में है तो आपका इंडिपेंडेंट ये होना चाहिए. कौन सा? ये. ठीक है, हालांकि ये बैंकिंग लेवल में काफी स्ट्रांग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ज्यादा. चलो देखो मैं बताता हूं. इफ के साथ अगर वर आ रहा है तो यहां पे होना चाहिए क्या? वुड के साथ वी वर. यहां पे आ जाओ फिर से, तो वुड प्लस वी वन. क्वेश्चन करके बता दूंगा दो तीन ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए. यहां पे आ जाओ, वुड प्लस वी वन. ठीक है, वेरी गुड. उसके बाद इज एम आर आ रहा है तो विल शैल प्लस वी वन, विल शैल प्लस वी वन. जल्दी से नोट कर लो, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा ना तो आराम से आप लोग कहोगे कि हाँ सर अब क्लियर हो गया, अब आराम से आ भी रहा है. वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. जल्दी से सबको नोट कर लो फटाफट से, जितना हो सके तेजी से. Thank you.
चलो ठीक है, उतार लो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, देखते हैं। अब इफ के साथ आपके पास सी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो यहां पे आपका ये आना चाहिए। क्वेश्चन में करके बताता हूं आपको ताकि थोड़ा सा आसान लगे आपको फिर उसके बाद ये, है ना। देखो बेटा, जैसे मान लो मैं कहता हूं इफ मोहन वर इन आर टीम कॉमा वी फिल इन द ब्लैंक डैश द मैच, ठीक है। और ऑप्शन मैं आपको देता हूं इस तरीके से, फर्स्ट ऑप्शन इज ए बी सी डी ऐसे करके, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, वी वुड वन द मैच, वी वुड हैव वन द मैच, अगला वुड विन द मैच, और अगला है विल विन द मैच। अपने आप बता सकते हैं। एक और ले लेते हैं, इफ रजत हैड मोर पेजेस he would have completed his story, he would have completed his story, ठीक है। चलो एक बार जल्दी से इसको करो फटाफट से। जल्दी कीजिए, चलो फटाफट फटाफट सारे करते जाओ बच्चों। चलो देखें, गुड। अब जरा देख लेते हैं इन दोनों क्वेश्चंस को। वैसे तो इससे आ जाना चाहिए आपको, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखो यहां पे आपके पास सेंटेंस में अगर इफ के साथ आपके पास ये सब आ रहा है, इससे बाहर नहीं है कंडीशनल, ये मैं कह देता हूं ऊपर लिख ही देता हूं, कंप्लीट रूल्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल्स मतलब कंडीशन के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं, इससे बाहर एक भी नहीं आता, ठीक है। अब देखो यहां पे आपका सेंटेंस है, इफ मोहन वर इन आर टीम, इफ आ रहा है, वर आ रहा है, हाँ सर इफ के साथ वर आ रहा है, ठीक है। तो दूसरे वाले पार्ट में क्या आएगा, दूसरे वाले पार्ट में वुड प्लस वी वन आना चाहिए। देखो कैसे, यहां पे इफ के साथ वर आ रहा है तो दूसरे वाले पार्ट में क्या आना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही तो आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कि ना, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यही आना चाहिए, बिल्कुल यही आना चाहिए। तो अब आपका आंसर देखो क्या आ रहा है, तो वुड यहां पे लिखा वुड वन, अब जाहिर सी बात है वुड तो ठीक है लेकिन वन कैसे आ गया, ये तो गलत हो गया, वुड वन नहीं आना चाहिए, इसको हटाओ। यहां पे आ रहा वुड हैव वन, इसको भी हटाओ। यहां लिखा वुड विन और विल भी काट दो, आंसर आया ये, आंसर आ गया ये। अगला प्रश्न, इफ रजत हैड मोर पेजेस ही वुड हैव कंप्लीटेड हिज स्टोरी। अब देखो यहां पे हैड वाला जो है ना, इफ के साथ हैड, अब आप गौर करोगे अगर तो इफ के साथ हैड दो जगह आ रहा है, ध्यान दो बेटा, ध्यान दो जरा बिल्कुल गौर से, यहां पे इफ के साथ हैड दो जगह आ रहा है, एक ये रहा और एक कहां गया सर आखिरी में है, ये रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ के साथ हैड दो जगह आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन ध्यान देखो, एक ध्यान से देखो, यहां पे इफ के साथ हैड आ रहा है,
कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, खाली है, लेकिन यहाँ पे इफ के साथ हेड आ रहा है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अब आपका क्वेश्चन चेक करो एक बार, यहाँ पे हमारे पास इफ आ रहा है, हेड आ रहा है, क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है यहाँ पे? नहीं आ रही है। इसका मतलब सेकंड वाला नियम लगना है या सेवंथ वाला नियम लगना है? सेकंड वाला लगना है, सेकंड वाला लगना है, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसा होना चाहिए आपका, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपके पास अभी देखो क्या लिखा आ रहा है, नजर दौड़ाओ थोड़ी सी, दिमाग लगाओ। वुड तो ठीक है अपनी जगह पे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी ना, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आपका गलत है, वुड कंप्लीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वुड कंप्लीट ऐसे करके हो जाएगा। क्लियर हुआ हाँ कि ना? एक बार बताइए जल्दी से, हो गया? चलिए बढ़िया, अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो मैं आगे बढ़ लेता हूं जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो इफ रजत हैड मोर पेजेस ही वुड कंप्लीट हिज स्टोरी, ऐसे करके बनाना था, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन देख लो वापस आके एक बार, जल्दी से बताइए। चलो, इफ वी हैड राम इन आर टीम वी वुड हैव वन द मैच। अब आप खुद समझ सकते हो, इफ आ रहा है, हेड आ रहा है, क्या कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म है? नहीं है। तो क्या आना चाहिए दूसरी लाइन में? वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हैव गलत है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओ क्या? विन। सेम टू सेम क्वेश्चन, ठीक है, हो गया। इसको नोट कर लिए, बहुत काम की चीज सिखाई हाँ कि ना, इतनी इंटरेस्टिंग बात सिखाई कि आप लोगों को ये बहुत काम आने वाला है आगे के एग्जामिनेशन में। चलो जल्दी से करो सारे लोग अब इसको, अगले का आंसर कीजिए जरा। चलो डन, ठीक है। देखो, माय फ्रेंड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड विद हिम बट हिज वर्ड्स वर नॉट क्लियर टू अस। अब देखो यहां पे क्या क्या गलती है, समझिएगा गौर से। यहां पे हमारे पास सेंटेंस में ना माय फ्रेंड ट्राइड, कौन सा टेंस है सर जी? पास्ट है। माय फ्रेंड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड विद हिम बट हिज वर्ड नॉट क्लियर, मतलब उसकी आवाज साफ साफ नहीं आ रही थी। तो देखो यहाँ पे बात जो है ना, ये पास्ट के पास्ट को इंडिकेट कर रही है। वैसे आपने टेंस अगर पढ़ा है तो याद होना चाहिए आपको कि यहाँ पे हमारे पास व्हाट हैज नहीं, फिर क्योंकि जब एक पार्ट आपका सिंपल पास्ट हो रहा है तो दूसरा पास्ट परफेक्ट लगाना चाहिए, व्हाट हैड हैपेंड ऐसे होना चाहिए था, व्हाट हैड हैपेंड इस प्रकार से आपको ये लिखना था, ठीक है। तो माय फ्रेंड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, ऐसे करके व्हाट हैड हैपेंड विद हिम इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस आपका बनता, माय फ्रेंड ट्राइड टू टेल अस व्हाट हैड हैपेंड विद हिम, क्योंकि ये पास्ट के पास्ट की बात हो रही है यहाँ पे, समझे? पास्ट के पास्ट की बात हो रही है, लोकेट कर सकते हो पास्ट के पास्ट को, तो उससे आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, ये भी सेम ही है। इस क्वेश्चन को और देख लो फटाफट से, जल्दी से इस क्वेश्चन को और देख लो फटाफट से। न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, कोई मुश्किल नहीं है। एक बार ध्यान से करोगे तो आंसर आना शुरू हो जाएगा अपने आप, ध्यान से करो आंसर आएगा पक्का। जल्दी से कीजिए, न्यूज़पेपर्स टेल अस अबाउट द इवेंट व्हाट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। चलिए देखते हैं बेटा, यहां पे देखो न्यूज़पेपर्स टेल अस, यहां पे न्यूज़पेपर्स लिखा ना, तो टेल ठीक है अपनी जगह पे, क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आना चाहिए, ठीक है। अबाउट द इवेंट
दैट हैपन। अब देखो यहां पे हमारे पास क्या वर्ड लिखा है बेटा, इवेंट। अब गौर करो तो इवेंट सिंगुलर है प्लुरल है? सर सिंगुलर है। अब भाई अगर वो सिंगुलर है तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब को भी आपको वैसे ही लगाना चाहिए, हाँ कि ना भाई? अगर आपके पास ये सिंगुलर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद भी जो वर्ब आएगा वो कैसा लगाना है? सिंगुलर लगाना है। तो यहां पे आपका ये मिस्टेक बन रहा है, ठीक है? ये जो इवेंट आपके पास सिंगुलर वर्ब आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपका यहां पे सिंगुलर हैपन्स आना चाहिए, ना कि हैपन। तो बेटा यही आपकी मिस्टेक थी, समझ गए? अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपका मिस्टेक वाला पार्ट दिख चुका है। तो यहां पे हैपन नहीं आना चाहिए, क्या करोगे इसको काटो और क्या लगा दो? हैपेंस। क्या लगा दो बच्चों? हैपेंस लगा दो। ये आपका सही सेंटेंस बन गया, समझे? मेरी बात क्लियर हुई? हाँ है ना क्लियर? एक बार कमेंट करो। देखो कोई भी इसमें मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट तो था नहीं जो आप लोग इतना परेशान इसके लिए हो जाते। आसानी है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, चलो पढ़िए। ठीक है, तो न्यूज़पेपर टेल अस अबाउट द इवेंट दैट हैपन, तो हैपन्स हो जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नो एरर, ये आपका आंसर आ गया, हैपन्स। ठीक है, खैर बच्चों आज की क्लास में फिर हम जो है सेशन को यहीं इतना ही रखते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा क्लास। और हाँ, आप में से अगर कोई भी ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि मतलब ये कहता है कि सर रीडिंग वाला पार्ट जो है ना वो हमें बड़ा परेशान करता है, हमें बड़ा ही दिक्कत होती है उससे, रीडिंग वाला पार्ट बड़ा डराता है, तो मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर देता हूं, आप लोगों के लिए द हिंदू एडिटोरियल मैं खुद लेकर के आता हूं डेली। कितने बजे? सुबह 7 बजे। भाई जगने की हिम्मत आप रखना, डेली सुबह 7 बजे द हिंदू एडिटोरियल के साथ मैं आता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास होती है, कोई आपका पैसा नहीं लगना है। आप उसको लाइव क्लास में जरूर एक बार अटेंड कीजिए, आपकी रीडिंग वाला पार्ट जो है आपका वो स्ट्रांग हो जाएगा, साथ ही साथ में आपकी वोकैबुलरी का जो ज्ञान है वो भी आपका स्ट्रांग करूंगा मैं। ठीक है, वोकैबुलरी का सेक्शन आपका काफी स्ट्रांग हो चुका होगा तब तक, तो आपको खुद फील होगा कि कितना ज्यादा आपका पार्ट वो मजबूत हो गया है। मेरी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को सभी को? तो ये चीज बेटा आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से आपका वो चीज होना है। ठीक है, चलिए फिर आज की क्लास को जरूर फिर यहीं पे ओवर कर देते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक ले सभी को बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय।